तो देखो दोस्तों, ये सर्किट है संपनर टेस्ट, जिसे हम बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं, उसका ये सर्किट है संपनर टेस्ट का। संपनर टेस्ट हम मैक्सिमम टेम्परेचर राइज डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होता है, जब लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर का, तो टेम्परेचर राइज ट्रांसफार्मर में होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितने कितना होगा पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में, ये डिनोट करने के लिए संपनर टेस्ट ट्रांसफार्मर प्रिपेयर होने के बाद कंपनी में की जाती है। इसीलिए संपनर टेस्ट आपके सिलेबस में दी हुई है। तो देखो, संपनर टेस्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर लॉस टेस्ट, मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एंड ओपन सर्किट टेस्ट। देखो, संपनर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ से ओपन सर्किट टेस्ट और यहाँ से शॉर्ट सर्किट टेस्ट, देखो दोनों साइड को सप्लाई प्रोवाइड किया है, सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले ये सप्लाई प्रोवाइड करना है, उसके बाद ये प्रोवाइड करना है। वो कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बताता हूँ। दो सप्लाई क्यू है, यहाँ से हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे और यहाँ से शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। ये जो पहला वाला वैटमीटर है, ये ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो क्या डिनोट करेगा, कॉपर लॉस। ये हमारा नो लोड करंट आई नॉट, और ये जो एमीटर है यहाँ से यहाँ आने वाला, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट ISC को डिनोट करेगा, और ये वाटमीटर क्या करेगा, टोटल कॉपर लॉस को मेजर करेगा। तो सब कुछ आसानी से संपनर टेस्ट में हो जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट भी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी, और लोड टेस्ट भी, और टेम्परेचर राइज टेस्ट भी, सब कुछ एक एक ही टेस्ट में हो सकता है यहाँ। तो देखिए वो कैसा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, संपनर टेस्ट में दो ट्रांसफार्मर, आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, देखो दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर यहाँ यूज़ किए। अगर ट्रांसफार्मर T1 और T2 दोनों आइडेंटिकल रहते हैं, दोनों की KVA रेटिंग सेम रहती है, वोल्टेज रेटिंग सेम सेम रहती है, अगर ये स्टेप अप हुआ तो ये भी स्टेप अप ही है। देखो सब कुछ उनका जो रेटिंग है वो सब कुछ सेम रहता है, तो दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, T1 और T2। तो कनेक्शन कैसे है, प्राइमरी जो है दोनों ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी जो है T1 और T2 की, तो दोनों ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं उसकी प्राइमरी, और सेकेंडरी जो कनेक्ट किए है वो फेज अपोजिशन में कनेक्ट किए, मतलब टर्मिनल A2 इज़ कनेक्टेड टू टर्मिनल A2 ऑफ अदर ट्रांसफार्मर, एंड टर्मिनल A1 इज़ कनेक्टेड टू टर्मिनल A1 थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ से आप इस साइड जब देखेंगे, तो ये जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर यहाँ प्रोवाइड करना है, कर रहा है वो टेस्टिंग के लिए, तो ये हुई इसकी प्राइमरी और ये हुई इसकी सेकेंडरी। ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो वैरी करने के लिए, और यहाँ से जो सप्लाई आएगा वो वैरी करने के लिए ये वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है, और ये हमारे दो मेन ट्रांसफार्मर है, दोनों T1 और T2, दोनों की प्राइमरी, दोनों की सेकेंडरी, प्राइमरी पैरेलल में और सेकेंडरी फेज अपोजिशन में। और फेज अपोजिशन में क्यों कनेक्ट किए है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो फेज अपोजिशन में कनेक्ट किए है, मतलब दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में ही कनेक्ट किए है, ऐसा ही दिख रहा है ना, फेज अपोजिशन मतलब। तो फेज अपोजिशन में किए है, और ये जो वोल्टमीटर है वो A2 और इस टर्मिनल A2 के बीच में लगाया है। तो ये वोल्टमीटर क्या करेगा, जब प्राइमरी से कोई सप्लाई आएगा तो यहाँ ट्रांसफार्मर एक्शन होगी और वो सप्लाई यहाँ जाएगा, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज आएगा, तो वो वोल्टेज देखो कैसे आएगा, अगर यहाँ कुछ EMF इंड्यूस होगा तो उसकी डायरेक्शन होगी, E2 वाला EMF, E2 यहाँ इंड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी, A2 से A1 तक, अगर हमने वो अज्यूम की तो इसकी भी डायरेक्शन ऊपर होगी A2 से A1 तक। तो ये देखो A2 से A1 तक ऐसा आएगा, और ये वाला A2 से A1 तक ही ऐसा जाएगा, तो दोनों जो भी E2 और इसका E2 और इसका E2, दोनों जो वोल्टेजेस है वो दोनों को कैंसिल करेंगे, और ये जो वोल्टमीटर V2 है ये जीरो रीडिंग हमें दिखाएगा। वोल्टमीटर V2 की जो रीडिंग होगी वो होगी 0 वोल्ट, अगर दोनों अपोजिशन में आए तो ऐसा क्यों करना है हमें, तो देखो सेकेंडरी के वोल्टेज अगर 0 हो जाएंगे, प्राइमरी के सप्लाई जब हम देंगे, तो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज, वो अगर दोनों सेकेंडरी हमने फेज अपोजिशन में लगाई, और अगर V2 0 हो गया वोल्टेज सेकेंडरी का, तो अगर सेकेंडरी का वोल्टेज 0 हो जाता है तो इसका करंट भी 0 हो जाएगा, सब कुछ यहाँ 0 हो जाएगा, वोल्टेज भी 0
वोल्टेज ही नहीं है तो करंट भी नहीं, करंट भी जीरो। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या हो, तो ये जो ट्रांसफार्मर है सॉरी T1 और T2, तो ये क्या हो जाएंगे, इट इज़ ट्रीटेड टू बी एज अ ओपन सर्किटेड, क्योंकि यहाँ तो एक ओपन सर्किट जैसा फॉर्म हो जाता है ना, सब कुछ जीरो, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, ओपन सर्किट। तो ये प्राइमरी से हम सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो देखो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देंगे इस ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो यहाँ हम रेटेड सप्लाई दे सकते हैं। देखो मैंने LV वाइंडिंग यहाँ कनेक्ट की, ओपन सर्किट में हम कैसे करते हैं, देखो ये सब कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम LV वाइंडिंग को मीटर्स कनेक्ट करते हैं और HV वाइंडिंग को ओपन करते हैं, हमने देखा था। तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ से हम कर रहे हैं, इसीलिए LV वाइंडिंग यहाँ प्राइमरी को कनेक्ट की और HV वाइंडिंग सेकेंडरी को कनेक्ट की। अभी देखो यहाँ से आप जो टेस्ट करेंगे वो होगी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने देखा है कि प्राइमरी को हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी शॉर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर सप्लाई आएगा तो ये से शॉर्ट सर्किट के लिए आपकी प्राइमरी कौन सी होगी, ये होगी। ओपन सर्किट के लिए ये प्राइमरी होगी। तो शॉर्ट सर्किट के लिए ये प्राइमरी वाइंडिंग अगर आपकी हो रही है तो ये जो सप्लाई है वो प्राइमरी वाइंडिंग, देखो HV को हम सप्लाई देते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, HV एक्ट्स एज अ प्राइमरी। तो देखो HV यहाँ प्राइमरी एक्ट हो रही है और ये सेकेंडरी LV एक्ट हो रही है। मतलब हमारा ओपन सर्किट का काम जो रहता है कि LV को सप्लाई दो HV ओपन करो, वो भी हो रहा है, और शॉर्ट सर्किट का जो काम रहता है कि HV को सप्लाई दो LV शॉर्ट करो, वो भी हो रहा है। तो वो बहुत ही हमारे लिए ये एडवांटेजिनियस है, ठीक है। तो देखो इसका ऑपरेशन कैसा होगा, व्हेन बोथ द प्राइमरीज आर एनर्गाइज बाय रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी, बिकॉज बोथ द प्राइमरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल मैनर, सो बोथ द प्राइमरीज आर एनर्गाइज बाय रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी, वैट मीटर W1 रिकॉर्ड्स कोर लॉसेस, एमीटर ए रिकॉर्ड्स टोटल नो लोड करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द प्राइमरीज ऑफ ट्रांसफार्मर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, एंड सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट सिंस द वोल्ट मीटर V2 गिव्स अ जीरो रीडिंग, सो करंट I2 बिकम्स ऑल्सो जीरो, सो इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ ओपन सर्किटेड सेकेंडरी, एंड कोर लॉस टेक्स प्लेस इन प्राइमरी वाइंडिंग ओनली, इट इज़ रिकॉर्डेड बाय वैट मीटर W1 एंड टोटल नो लोड करंट इज रिकॉर्डेड बाय दिस एमीटर। तो देखो यहाँ कैसे हो रहा है, ये नो लोड करंट ही क्यों फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी का करंट यहाँ क्यों फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी ओपन सर्किट से ही ट्रीट हो रही है, क्योंकि वोल्टेज जीरो करंट जीरो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमने ये फेज़ अपोजिशन में ही लगाई है। फेज़ अपोजिशन मतलब ये वाला वोल्टेज, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है हमारा E2, यहाँ भी वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इस ट्रांसफार्मर का E2। तो इसकी जो डायरेक्शन है, अगर हमने वो A2 से A1 तक अज्यूम की, तो E2 ऐसा जाएगा ऐसा आएगा, और A2 से A1 अगर ये E2 हमने कंसिडर किया यहाँ का, तो ये भी ऐसा जाएगा और वो ऐसा आने वाला E2, तो दोनों कैंसल विथ ईच अदर करेंगे और वोल्टेज V2 जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। और अगर यहाँ फिर ओपन सर्किट जैसा फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होगा, प्राइमरी ज़्यादा करंट नहीं खींचेंगी सेकेंडरी के लिए, क्योंकि सेकेंडरी को क्या करना है, आगे करंट जीरो ही करना है, जीरो ही हो रहा है वो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ ज़्यादा करंट नहीं खींचने वाली आपकी प्राइमरी, तो वो सिर्फ I0 करंट नो लोड करंट खींचेगी। तो ये 2 टाइम्स I0 क्यों, क्योंकि यहाँ का I0 और यहाँ का I0 दोनों अलग है, T1 के लिए अलग T2 के लिए अलग, तो ये हुआ 2 टाइम्स I0, दोनों ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट 2 टाइम्स I0, यह एमीटर आपको दिखाएगा, और ये जो W1 है W1 वैट मीटर, वो आपको दोनों ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस सॉरी आयरन लॉस और कोर लॉस दिखाएगा। तो कोर लॉस और आयरन लॉस 2 टाइम्स कोर लॉस और आयरन लॉस रहेगा, देखो यहाँ ट्वाइस कोर लॉस किवा और आयरन लॉस हो रहे हैं, क्योंकि T1 के लिए अलग T2 के लिए अलग, ट्वाइस यहाँ दिखाएगा W1 में टोटल। तो ये हुआ आपका टोटल ओपन सर्किट टेस्ट का ऑपरेशन। अभी शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मैं बताता हूँ।
Now supply to the through the auxiliary transformer is given to the transformer secondary winding. देखो हम यहाँ primary assume कर, ये primary और ये secondary ऐसा बोल रहे हैं तो short circuit test के लिए ही ऐसा बोलेंगे. हम assume कर रहे हैं कि ये primary और ये secondary short circuit है, लेकिन explanation में आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि ये primary और ये secondary है. तो देखो अभी हमें पता है कि short circuit test में हम एच वी वाइंडिंग पहले लेते हैं और फिर एल वी वाइंडिंग को शॉर्ट करते, तो ऑक्जिलरी ट्रांसफार्मर भी मैंने ऐसा ही लिया, एच वी वाइंडिंग को सप्लाई दिया और एल वी वाइंडिंग यहाँ ली, पहले एच वी ली. एच वी क्यों ली पहले, तो क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होगा, ज़्यादा वोल्टेज यहाँ रहता है, मतलब यहाँ जो रेटेड करंट रहेगा वो कम सर्कुलेट होगा, और रेटेड करंट अगर कम सर्कुलेट होगा तो यहाँ वाइंडिंग बर्निंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो करंट विस्टैंड कर सकती है उतना, ठीक है. इसीलिए मैंने ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट की है. लेकिन आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है, शॉर्ट्स यहाँ ओपन सर्किट टेस्ट में हमने रेटेड वोल्टेज दिया था प्राइमरी को, लेकिन यहाँ आपको यहाँ सेकेंडरी जो जो एच वी है वहाँ रेटेड वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करना है, सिर्फ कुछ कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करना है जो रहता है 2 to 6% ऑफ द रेटेड वोल्टेज हमें प्रोवाइड करना है. उतना वोल्टेज सफिशियंट है फुल लोड करंट सर्कुलेट होने के लिए प्राइमरी या सेकेंडरी में. देखो यहाँ मैं सेकेंडरी बोलता हूँ वही बेहतर रहेगा, तो सेकेंडरी में यहाँ से जो करंट आएगा तो फुल लोड करंट सर्कुलेट होने के लिए सिर्फ कुछ वोल्टेज ही काफ़ी है, 2 to 6%, तो वो वोल्टेज आपको ये ऑक्जिलरी ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेगा थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर. मतलब सबसे पहले आपको ऑटो ट्रांसफार्मर थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा जो 2 to 12% का वोल्टेज प्रोवाइड करेगा ऑफ द फुल लोड वोल्टेज, वो वोल्टेज यहाँ आएगा तो यहाँ फुल लोड करंट सर्कुलेट होगा, तो यहाँ भी फुल लोड करंट सर्कुलेट होगा इस ट्रांसफार्मर में, तो टोटल फुल लोड करंट सेकेंडरी का जो यहाँ रहेगा तो यहाँ इसका फुल लोड करंट और यहाँ इसका फुल लोड करंट, तो यहाँ क्या जाएगा, यह एमीटर क्या रिकॉर्ड करेगा, 2 times I2. और अगर यहाँ फुल लोड करंट सर्कुलेट होगा तो यही फुल लोड करंट, देखो यहाँ का फुल लोड करंट इस यहाँ भी आएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर एक्शन है, तो फुल लोड करंट यहाँ भी आएगा. तो फुल लोड करंट अगर यहाँ आएगा तो A1 से अगर हम मैंने उसकी डायरेक्शन ली, देखो I2 dash मैंने इसे डिनोट किया, या तो फिर आप I1 बोल सकते या तो I2 dash बोल सकते, तो मैंने यहाँ बोला I2 dash करंट, तो I2 dash अगर मैंने इसे डिनोट किया है तो I2 dash, ये I2 था ना हमारा, यहाँ I2 आ रहा था तो यहाँ I2 dash मैंने डिनोट किया. तो देखो A1 से वो ऐसा पाथ कंप्लीट करेगा I2 dash, और ये वाला जो रहेगा आपका, देखो A1 से I2 dash ऐसा ऐसा आ रहा है नीचे, ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ I2, तो I2 यहाँ कैसा आ रहा है ऐसा, और ये वाला जो I2 है तो यही I2 आपका कैसा सर्कुलेट हो रहा है, ये I2 देखो ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर वो ऐसा ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है ये I2, तो ये I2 यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ भी वो कैसा जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, बराबर है. मतलब वो अगर ये A1 से बाहर निकल रहा है तो ये A2 से बाहर निकलेगा, यहाँ का I2, अगर यहाँ का I2 A1 से बाहर निकल के ऐसा पाथ कंप्लीट कर रहा है I2 dash, तो यहाँ का I2 dash क्या करेगा, A2 से बाहर निकल कर ऐसा पाथ कंप्लीट करेगा. ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है ये फेज अपोजिशन में कनेक्ट की है, तो अगर ये I2 ऐसा आ रहा है तो ये I2 ऐसा और ये I2 ऐसा, मतलब अगर ये I2, मैं आपको इजीली बताता हूँ, देखो ये I2 करंट ये सबसे पहले ऐसा आ रहा है इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में, ऐसा I2 एरो नीचे है, तो ये I2 यहाँ लिंक करने के लिए बोलेगा, तो ये लिंक करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन होगी I2 की वो नीचे ही जानी चाहिए, ठीक है. तो नीचे अगर जाएगी तो देखो A2 से वो बाहर निकलेगा ऐसी डायरेक्शन, इसके अपोजिट, और ये जो है ये ऊपर जाएगा क्योंकि ऐसा I2 निकलने के बाद A2 से A1, तो यहाँ भी I2 I2 dash A2 से A1 जाएगा इसका, तो ये I2 dash ऐसा जाएगा ऊपर से, मतलब ये दोनों रिवर्स में, ये I2 dash ऐसा होगा या I2 dash ऐसा होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
और ये ट्रांसफार्मर में वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में उसका पाथ चलता रहेगा, वो यहाँ यहाँ जाने के लिए अलो नहीं करेंगे, ये जो आई टू डैश रहेंगे आपके वो ओनली पैरेलल पाथ में अपना पाथ जमा करेंगे, वो यहाँ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए ये जो हमने रिकॉर्ड किया था पहले वाला कोर लॉस, जो आयरन लॉस था हमारा, और ये टोटल हमारा नो लोड करंट, तो उस पर इसका असर नहीं होगा इस करंट का, वो पैरेलल पाथ में ही घूमते रहेंगे। तो यहाँ देखो इट इज़ ये इसके लिए तो ये हमारी सेकेंडरी हुई शॉर्ट सर्किट के लिए, तो ये शॉर्ट सर्किट एज अ ट्रीटेड एज अ शॉर्ट सर्किट, ये जो प्राइमरी है ये क्या हो जाएगी, ट्रीटेड एज अ शॉर्ट सर्किट व्हेन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट यहाँ कंडक्ट हो रही है अभी ये वाले सप्लाई से, वोल्टेज बहुत ही कम, देखिए यह ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बहुत कम आ रहा है, यहाँ तो रेटेड वोल्टेज आ रहा था कोर लॉस सप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ हमें कॉपर लॉस सप्लाई करना है, यहाँ तो वोल्टेज बहुत ही कम आएगा। अगर आपने वोल्टेज यहाँ से बढ़ा दिया तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा डायरेक्टली, ये जो वाइंडिंग है ये बर्न हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, ये वोल्टेज बहुत कम होना चाहिए क्योंकि हमें फुल लोड करंट सर्कुलेट करना है। तो फुल लोड करंट सर्कुलेट होने के बाद यहाँ 2I2 ये रीडिंग, ये एमीटर क्यों दर्शाएगा, क्योंकि ये दोनों का करंट है, वो I2 इसका I2 और इसका I2, ये हुआ 2I2, और ये वाटमीटर W2 क्या रिकॉर्ड करेगा, टोटल कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस मतलब यहाँ का कॉपर लॉस और यहाँ का कॉपर लॉस, तो W2 इज इक्वल्स टू 2 times WC, ऐसा हम लिख सकते हैं, यहाँ का WC और यहाँ का WC। तो यहाँ से हमने की ओपन सर्किट टेस्ट और यहाँ से हमने की शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो रिजल्ट हमें क्या मिला देखिए, इवन दो ट्रांसफार्मर्स आर नॉट सप्लाइंग एनी लोड करंट, फुल लोड आयरन लॉस इन द वाइंडिंग एंड फुल लोड सॉरी फुल लोड आयरन लॉस इन कोर एंड फुल लोड कॉपर लॉस इन वाइंडिंग्स कैन बी इजीली ऑकर्ड। देखो हमने लोड तो लगाया ही नहीं, यहाँ भी लोड नहीं लगाया और यहाँ से भी लोड नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हमारी ओपन सर्किट टेस्ट भी इजीली हुई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी यहाँ इजीली हुई, मतलब टोटल सब संपनर टेस्ट जो है वो विदाउट एनी लोड लगा के कैरी आउट हो सकती है, ये हमारा कंक्लूजन है। और इफ़ द टेम्परेचर राइज ऑफ द टू ट्रांसफार्मर इज टू बी मेजर, देन टू ट्रांसफार्मर आर केप्ट अंडर रेटेड लॉस कंडीशंस फॉर सेवरल आवर्स टिल मैक्सिमम स्टेबल टेम्परेचर इज रीच। देखो अगर आपको टेम्परेचर यहाँ का मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है संपनर टेस्ट से, तो आपको क्या करना है, ये जो सब कुछ टेस्ट का जो सेटअप है और ये जो लॉस सप्लाई हो रहे हैं यहाँ से कोर लॉस और यहाँ से कॉपर लॉस, तो कुछ हावर्स के लिए कुछ समय के लिए कुछ घंटे आपको वैसा ही रखना है सेटअप, वैसा ही सप्लाई सप्लाई प्रोवाइड करना है कांस्टेंट सप्लाई, जब आपका हो जाएगा तो 2 to 3 hours के लिए आपको वैसा ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, आपको कितना टेम्परेचर वाइंडिंग में हो रहा है, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है वो आप वहाँ मेजर कर सकते, इसीलिए मैंने वो कहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर आपको अगर मेजर करना है तो ये सेटअप कुछ आवर्स के लिए वैसा ही रखते कंपनी में। तो ये इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या है कि आपको T1 और T2 दोनों सेम रखने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग सेम होनी चाहिए, जो मिलना डिफ़िकल्ट है, अगर वो पॉसिबल है तो ये टेस्ट बहुत ही एक्सलेंट टेस्ट है, इसमें 2 से 3 टेस्ट हमारे कंडक्ट हो रहे हैं, तो ये एक्सलेंट टेस्ट है, सिर्फ ट्रांसफार्मर सेम रेटिंग सेम केवीए का मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही एक्सलेंट मैनर में ये टेस्ट की जाती है, कंपनी में आप जाकर खुद देख लो, बहुत ही अच्छी वाली ये टेस्ट है, मेरी फेवरेट टेस्ट है, ठीक है। थैंक यू, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास वीडियोस आती रहेगी, और कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस आपको, मेरे टॉपिक, प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू।